हे गाइस, दैनिक सवेरा में आपका स्वागत है। दिस इज योर हेल्थ कोच जेनिफर और आप देख रहे हैं फिट विद जेन। दैनिक सवेरा आपके लिए लेकर आया है एक ब्रांड न्यू स्पेशल प्रेगनेंसी वर्कआउट्स। प्रेगनेंसी डजंट मीन बेड रेस्ट। अपनी और बेबी की सेहत के लिए प्रेगनेंसी में एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस की मदद से आप फिटनेस के साथ साथ अपनी बॉडी को लेबर और डिलीवरी के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रेग्नेंट वेमेन को एक्टिव रहने के और भी बहुत सारे फायदे हैं। रेगुलर एक्सरसाइज से बैकएक, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन और स्वेलिंग जैसी कई प्रॉब्लम्स को रिलीफ मिलता है। इससे आपकी स्लीप क्वालिटी, मूड और एनर्जी लेवल्स भी इम्प्रूव होंगे एंड अ हैप्पी मामा इज अ हैप्पी बेबी। याद रखिए, कोई भी एक्सरसाइज रेजिमेन को शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर एक्सरसाइज करते समय आपको कोई परेशानी आए या आप अनवेल फील करें, देन प्लीज स्टॉप इमीडिएटली। ये सभी वर्कआउट्स आपकी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इस जर्नी के लिए तैयार हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, वर्कआउट को शुरू करने से पहले हम करेंगे कुछ सिंपल बॉडी वेट एक्सरसाइजेस ताकि आपकी बॉडी प्रॉपरली वार्म अप हो सके। आज की हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडिंग एंजल्स। एज द नेम सजेस्ट, स्टार्ट इन द स्टैंडिंग पोजिशन, फीट एज वाइड एज द शोल्डर्स, अपने पाम्स को बाहर की तरफ फेस करें, टेक अ डीप ब्रेथ इन, लिफ्ट अप, ब्रीद आउट एज यू ब्रिंग योर आर्म्स बैक डाउन। इसकी हम करेंगे 15 रेप। Breathe in and out. And relax. हमारी अगली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग मार्चिंग चॉप्स। सेम पोजिशन में आर्म्स को ओवरहेड लिफ्ट करें और अल्टरनेट नी को चेस्ट की तरफ उठाएं। इसकी हम करेंगे 20 रेपिटेशंस, 10 ऑन ईच साइड। मूवमेंट को स्लोली करें और अपनी नी को मैक्सिमम लिफ्ट करने की कोशिश करें। एंड रिलैक्स। सो गाइज, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है टोर्सो ट्विस्ट्स। सेम पोजिशन में स्टैंड करें विद योर फीट अ लिटिल बिट वाइड बैलेंस के लिए एंड स्लोली ट्विस्ट योर टोर्सो ऑन वन साइड। स्विच योर साइड। इसकी भी हम करेंगे 20 रेपिटेशंस, 10 ऑन ईच साइड। ध्यान रखें, इस मूवमेंट को बिल्कुल स्लोली करें। फास्ट करने से इस मूवमेंट में डिजीनेस आ सकती है। So guys, हमारी अगली वार्म अप एक्सरसाइज है ग्लूट किकबैक्स। इसके लिए आप वॉल या चेयर की सपोर्ट जरूर लें। सो स्टैंड क्लोज टू द चेयर, अपनी टॉर्सो को स्ट्रेट रखते हुए, लेग को भी स्ट्रेट रखते हुए पीछे की तरफ किक करें। मेक श्योर दैट यू डोंट लीन फॉरवर्ड और अपने नी को बेंड ना करें। इसकी हम करेंगे 10 रेपिटेशंस ऑन ईच साइड।
switching your leg. And relax. So guys, ये थे हमारी वार्म अप मूवमेंट्स. अगर आप अभी प्रॉपरली वार्म अप नहीं हुए तो इन सभी मूवमेंट्स को एक बार फिर से रिपीट करें. अब हम फोकस करेंगे आज के वर्कआउट पर. तो गाइज, आज के वर्कआउट में है 5 एक्सरसाइजेस. हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स वॉकिंग लंजेस. इसके लिए भी आई इनकरेज कि आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक चेयर या वॉल का इस्तेमाल जरूर करें. लेट्स स्टार्ट. सो होल्डिंग द चेयर गाइज, टेक अ बिग स्टेप इन द बैक एंड लंज. दूसरी लेग पर भी एंड लंज. इसकी हम करेंगे 10 repetitions on each side, 20 in total. याद रखें, दोनों knees bend करें, पिछले knee को ground की तरफ लेकर जाएं. And relax. So guys, आज की हमारी second exercise है side lying kicks. इसे हम करेंगे on the mat in the side lying position. एक pillow से अपनी belly को support करें, दोनों knees को fold करें, top leg को straight lift करें. This is your starting position with the knee locked. इधर से आगे की तरफ kick करें. इसकी हम करेंगे 15 repetitions on each side. नी को बेंड ना होने दें, नी को बिल्कुल स्ट्रेट एंड लॉक्ड रखें. लेट्स स्विच आवर लेग, स्लोली गेट अप. Adjusting on the side, pillow to support you, legs are bent, एक leg को ऊपर उठाएं और front की तरफ stretch करें and kick. And relax. So guys, आज की हमारी third exercise है plank punches. हम plank बनाएंगे with the knees on the ground. Start on all fours और अपने hip को नीचे की तरफ drop करें ताकि आपका core engaged रहे. From this position, you will start front punches. इसकी हम करेंगे 20 repetitions, 10 on each side. And relax. आज की हमारी फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डंबल्स की. अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल्स को भी यूज कर सकते हैं. सो गो अहेड एंड होल्ड द डंबल्स. अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस. सो स्टैक द डंबल्स अप ऑन योर शोल्डर्स. एल्बोज आर नाइस एंड वाइड. चेस्ट इज ओपन.
take a deep breath in as you lift. Breathe out as you drop down. इसकी हम करेंगे 15 reps. आज की हमारी अगली एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो. इसके लिए भी हम डंबल्स को यूज करेंगे. स्टैंड विद योर फीट स्लाइटली अपार्ट, नीज स्लाइटली बेंट. अपने वेस्ट से हिंज करें ऑल द वे डाउन, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट. मेक श्योर कि आपकी बैक ऐसे कर्व ना हो, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें. हिप इज जटिंग आउट. गेज फॉरवर्ड. दोनों डंबल्स को एल्बो को टक करते हुए ऊपर की तरफ लिफ्ट करें एंड ड्रॉप. इसकी भी हम करेंगे 15 reps. इन सभी एक्सरसाइजेस को गाइज हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे फॉर आवर सर्किट नंबर 2. आई नो दिस यू कैन डू इट. हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है रिवर्स वॉकिंग लंजेस. इसके लिए भी आई एनकरेज कि आप अपनी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक चेयर या वॉल का इस्तेमाल जरूर करें. लेट्स स्टार्ट. सो होल्डिंग द चेयर गाइज, टेक अ बिग स्टेप इन द बैक एंड लंज. दूसरी लेग पर भी एंड लंज. इसकी हम करेंगे 10 repetitions on each side, 20 in total. याद रखें दोनों knees bend करें, पिछले knee को ground की तरफ लेकर जाएं. And relax. So guys, आज की हमारी second exercise है side lying kicks. इसे हम करेंगे on the mat in the side lying position. एक pillow से अपनी belly को support करें, दोनों knees को fold करें, top leg को straight lift करें. This is your starting position with the knee locked. इधर से आगे की तरफ kick करें. इसकी हम करेंगे 15 repetitions on each side. नी को बेंड ना होने दें, नी को बिल्कुल स्ट्रेट एंड लॉक्ड रखें. लेट्स स्विच आवर लेग, स्लोली गेट अप. Adjusting on the side, pillow to support you, legs are bent,
एक लेग को ऊपर उठाएं और फ्रंट की तरफ स्ट्रेच करें एंड किक। एंड रिलैक्स। सो गाइज, आज की हमारी थर्ड एक्सरसाइज है प्लैंक पंचेस। हम प्लैंक बनाएंगे विद द नीज ऑन द ग्राउंड। स्टार्ट ऑन ऑल फोर्स और अपने हिप को नीचे की तरफ ड्रॉप करें ताकि आपका कोर एंगेज्ड रहे। फ्रॉम दिस पोजिशन यू विल स्टार्ट फ्रंट पंचेस। इसकी हम करेंगे 20 रेपिटिशंस, 10 ऑन ईच साइड। एंड रिलैक्स। आज की हमारी फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हमें जरूरत पड़ेगी डंबल्स की। अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो आप वाटर बॉटल्स को भी यूज कर सकते हैं। सो गो हेड एंड होल्ड द डंबल्स। अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस। सो स्टैक द डंबल्स अप ऑन योर शोल्डर्स। एल्बोज आर नाइस एंड वाइड। चेस्ट इज ओपन। टेक अ डीप ब्रेथ इन एज यू लिफ्ट। Breathe out as you drop down. Iski hum karenge 15 reps. रिलैक्स। आज की हमारी अगली एक्सरसाइज है बेंट ओवर रो। इसके लिए भी हम डंबल्स को यूज करेंगे। स्टैंड विद योर फीट स्लाइटली अपार्ट, नीज स्लाइटली बेंट। अपने वेस्ट से हिंज करें ऑल द वे डाउन, कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। मेक श्योर कि आपकी बैक ऐसे कर्व ना हो, अपनी बैक को स्ट्रेट रखें। Hip is jutting out, gaze forward. Dono dumbbells ko elbow ko tuck karte hue upar ki taraf lift karein and drop. Iski bhi hum karenge 15 reps. And relax. So guys, workout complete होने के बाद अब हम focus करेंगे कुछ stretching exercises पर। आज की हमारी first exercise है supine twist। इसे हम करेंगे on the mat in the cross-legged position। So start by crossing your legs. Take your right hand, place it on the left knee. लेफ्ट हैंड को पीछे की तरफ ले जाएं, लुक ओवर योर लेफ्ट शोल्डर एंड होल्ड योर ट्विस्ट। इस स्ट्रेच को 10 टू 15 सेकेंड्स ईच साइड होल्ड करें।
let's switch our sides. Left hand on the right knee, right hand goes back. Look over your right shoulder. And relax. So guys, आज का हमारा अगला स्ट्रेच है supine single leg head to toe. इसे आप स्टार्ट करेंगे इन द सिटिंग पोजिशन विद योर लेग स्ट्रेट आउट. राइट लेग को अंदर की तरफ बेंड करें, कीपिंग योर लेफ्ट लेग स्ट्रेट. लेफ्ट टो को लेफ्ट हैंड से ग्रैब करें. अगर आपकी रेंज ऑफ मोशन आपको टो को ग्रैब करना अलाउ नहीं करती तो आप अपनी लेग को भी होल्ड कर सकते हैं. Stretch your other hand on the side, stretching your spine and your side, and hold. इस स्ट्रेच को दूसरी तरफ भी रिपीट करेंगे. राइट लेग स्ट्रेट, लेफ्ट लेग बेंट. Holding your right toe with your right hand and stretch. And relax. गाइज, ये था हमारा आज का वर्कआउट. आई होप यू एंजॉयड इट एंड आर नॉट टू टायर्ड. अपने हेल्थ रेजिमेंट को लेकर कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है. सो डू एज मच एज यू कंफर्टेबली कैन एंड डू इट एवरी डे. प्रेगनेंसी में आपके बॉडी में बहुत चेंजेस आएंगे और आपने अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी बनाकर अपने बॉडी का ध्यान रखना है. रोज सुबह देखें फिट विद जेन 8 बजे ओनली ऑन दैनिक सवेरा. स्टे सेफ एंड अ वेरी हैप्पी प्रेगनेंसी टू ऑल ऑफ यू.